नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधायक भगवती प्रसाद सागर एवं आयुक्त कानपुर द्वारा सीएससी बिल्हौर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एवं सिलेंडरों से युक्त ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया गया। ये ऑक्सीजन बैंक परिवर्तन फोरम कानपुर संस्था के सहयोग से खोला गया है और इसका संचालन परिवर्तन फोरम कानपुर द्वारा किया जाएगा। परिवर्तन फोरम एक जागरूकता वैन भी चला रहा है। एक एलईडी और जागरूकता पोस्टर और एक सार्वजनिक ध्वनि प्रणाली से लैस है। ये वैन विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोविड सावधानियां और टीकाकरण के महत्व के बारे में शिक्षित कर रही है। इस अवसर पर अनिल गुप्ता के नेतृत्व में परिवर्तन फोरम कानपुर की टीम उपस्थित थी। एडी हेल्थ अतिरिक्त सीएमओ एमओआईसी बिल्हौर उपस्थित थे। सीएससी बिल्हौर 50 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड अस्पताल के रूप में काम करेगा। यहां सीएससी में 500 एलपीएम का एक नया ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत है जो अगले एक महीने में काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कमिश्नर साहब को आप एक पत्र लिखिए। तो कमिश्नर साहब को मैंने पत्र लिखा और उस पर कार्रवाई शुरू हुई। आज जो मूर्त रूप देखने को मिल रहा है, ये जो व्यक्तिगत आपको टीम अलग से परिवर्तन वाली जो संस्था है, ये राजशेखर के व्यक्तिगत एफर्ट से, और ये एक बहुत अच्छी जो पहल है। और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा और मैंने चारों सीएससी में एक्सरे मशीन मैं अपने विधायक निधि से लगवाऊंगा। और यहाँ पर जो ये है आपका, जो हमारी डेड बॉडी किसी की मृत हो जाती है तो बाहर रख दी जाती है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ से ये बनेगा। ये अभी आपने उसके लिए कहा है अपने यहाँ के जो से, तो मेरी प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई मरने न पाए, किसी को कोई परेशानी ना हो, ये मेरा प्रयास है। और उसमें कमिश्नर साहब ने जिस तन्मयता से काम किया है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इनका जीवन में कभी भी कष्ट ना हो और ये परिवार सहित और अपनी टीम सहित इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और प्रदेश में बहुत ऊंचाई पर जाएं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। ओम शांति, ओम शांति। हम पत्रकारों की तरफ से आपका आभार और विशेष रूप से आभार और आग्रह। और ये पहले भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे आगमन हुआ था कानपुर नगर में और उन्होंने विस्तृत समीक्षा भी की थी, फील्ड भी किया था और उसी इस पे जो है निर्देश भी थे कि जितनी भी हमारे सीएचसी है उनको कोविड के लिए तैयार कर लिया जाए। जी, तो कोविड के लिए तैयार करने के लिए दो चीज़ें होती है कि एक जो बेड की संख्या को बढ़ानी होती है जी, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन जी जो है सप्लाई को सुनिश्चित करनी होती जी। उसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम बिल्हौर सी एस सी एक ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो चुका है जी, और इस सी एस आर के तहत जी आगामी एक माह के अंदर अंदर लग जाएगा, शुरू हो जाएगा जी। कार्रवाई पूरी चल रही ग्राउंड लेवल पर, हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जी। और आज जो है यहाँ पे परिवर्तन संस्था परिवर्तन फोरम द्वारा जो है जी यहाँ पे 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे दिए गए हैं जी, डोनेट किए गए हैं और इनका पूरा टीम भी हम लोग के साथ है यहाँ पे जी। और क्योंकि माननीय विधायक जी ने पिछले 2 महीने पहले ही इस इश्यू को उठाया था कि जी यहाँ के क्षेत्रीय लोग जब कानपुर नगर में या सिटी में जाते हैं दूर पड़ जाता है, तो बेहतर होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोविड की फैसिलिटी तैयार कर लिया जाए तो यहाँ की स्थानीय जनता को बहुत आसानी होगी, सुविधा मिलेगा जी। दृष्टिकोण से इसका जो है विकास किया जा रहा है। सर, कितने पेशेंट यहाँ पर अब सुचारू रूप से वन टाइम में चालू हो सकेंगे प्रेजेंट टाइम में? 50 बेड हम लोग लेके चल रहे हैं जी। 50 बेड का एक सभी बेड में जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा जिलों में जी। यहाँ पे सिलेंडर भी रखे गए हैं, ऑक्सीजन कंपन क्षेत्र भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी रहेगा और यहाँ का जो स्थानीय उसको बताया जा सके एक्सरे मशीन में यहाँ जी नहीं है। तो माननीय विधायक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी, अपना विधायक जी से अपने क्षेत्र के 4 सीएचसी में जी एक्सरे मशीन देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि शीघ्र महीने 2 महीने में ही ये कार्रवाई पूर्ण करके सुविधा उपलब्ध कराई जाए।